Hello friends, this is the beautiful decor piece that I have made from the waste glass bottle. So let's unbox creativity using this waste bottle. Is tarah ki dark bottles aapke paas padi hogi, so you can use this. And this is a homemade gesso. Aap iska link description mein dekh sakte hain, aur I will give you the link in the I button. Ab isko acche se aap paint kar lijiye. Is tarah ki do bottles maine paint kar li hai. After air drying ye kuch aisa dikhega. After that, ये मैं दो acrylic colors ले रही हूँ, एक white और एक silver color है. थोड़ा सा metallic look देने के लिए मैं silver color use कर रही हूँ. If you don't have, आप simple white color भी use कर सकते हैं. Now I'm mixing both of them in equal parts. जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम थोड़ा थोड़ा equal parts में ले लेंगे. Now mix it properly with a brush and now start painting on your bottles. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डार्क बॉटल ही लें, आप प्लेन वाइट बॉटल भी ले सकते हैं. बट जैसो अगर आप लगा देते हैं, ये होममेड जैसो था, तो आपको ये पेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा. ये काफ़ी अच्छा लुक देता है आफ्टर पेंटिंग. कलर भी काफ़ी अच्छे से स्टिक करता है इसके ऊपर, लाइक यू कैन सी. One stroke brush and just finish it. इसको अच्छे से हम पेंट कर लेंगे और इसको बस एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे. See, it's very easy. Let it dry for some time. After drying, देखिए ये कितना beautiful shining आ गई है इसके ऊपर. ना हम इसके ऊपर अपना इमेज ट्रेस आउट करेंगे. इसके लिए मैं एक पेपर कट आउट ली हूँ, सिंपल A4 शीट है, आप उसमें से छोटी कटिंग निकाल सकते हैं. ये मैंने अकॉर्डिंग टू द बॉटल साइज ले ली है, ठीक है. और अब मैं इसके ऊपर अपना इमेज ट्रेस आउट कर ली हूँ. यू कैन आइदर ड्रॉ, मैंने ड्रॉ किया है. अगर आप पेंटिंग में अच्छे नहीं हैं तो यू कैन टेक प्रिंट आउट एज वेल. नाउ ये एक साइड मैंने बुद्धा बनाई है और एक साइड अफ्रीकन वुमन मैंने लिया है. नाउ लेट्स ट्रेस इट आउट ऑन द बॉटल. यू कैन यूज़ अ कार्बन पेपर आफ्टर इसको ट्रेस करने के लिए, आफ्टर दिस इमेज पेपर. लेकिन इस लॉकडाउन में मेरे पास था नहीं कार्बन पेपर, तो लेट्स सी मैंने क्या ट्रिक यूज़ किया है. जस्ट ये जो इमेज बना हुआ था उसके पेपर में पीछे मैंने ये जो पेंसिल है इसको स्लोली रब करती गई मैं पेंसिल के निब को, और ये इस तरह से जस्ट इसके पीछे एक स्मैश टाइप का मैंने लुक दे दिया है. जैसे मैं हम लोग पेंसिल से कभी कभी ड्रॉ करते हैं और वो लाइक अब ये फिनिश हो गया है. जैसे हम पीछे इसके ऊपर शेडिंग कर दी है मैंने, और अब इसको मैं बॉटल के ऊपर टाइटली रख के और पेंसिल से मार्क कर लूँगी. यू कैन ऑल्सो स्टिक इट विद सेलो टेप एज वेल. सी इसके ऊपर ये थोड़ी सी हल्की सी इसके ऊपर मार्किंग आ गई है. अब मैं इसको पेंसिल की हेल्प से इसको थोड़ा डार्क कर लूँगी. कैसी लगी आपको ये ट्रिक? है ना ये लॉकडाउन स्पेशल. सो इसी तरह से मैंने अफ्रीकन लेडी भी बना ली है. प्लीज़ वीडियो को देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. कभी कभी आप भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कंसिडर माई चैनल टू सब्सक्राइब इट. एंड नाउ अब मैंने ये ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट लिया है. इसको हम बहुत स्लोली एक फाइन ब्रश की हेल्प से पेंट कर लेंगे. ये स्टेप आप बिल्कुल आराम से स्लोली कीजिएगा, बिकॉज ये आपको काफ़ी अच्छी आउटलाइनिंग देगा. तो ये काफ़ी अच्छा निकल के आता है ये इमेज. Slowly like this, just paint it. आप थोड़ा थोड़ा पहले outline कर लीजिए, फिर उसके अंदर के piece को fill कर लीजिए. It's very easy guys. No need to worry about it. ये बहुत tricky है. And just you need only two of the colors like white and black also. Only.
हाँ ये है अफ्रीकन लेडी, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला पेंटिंग। आप और भी कोई इमेज ले सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख के चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ये दो इमेजेस काफ़ी अच्छी लगी। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द बॉटल आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। देखिए देखते देखते ये कितना ब्यूटीफुल पेंट निकल के आया है, पेंटिंग बन गई है ये आपका, और ये काफी सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट लुक देगा आपके डेकोर को। ये काफी स्टाइलिश पीस है, अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करने जाते हैं तो काफी महंगी मिलती है आपको, तो आप घर पे ही वेस्ट बॉटल एंड एक दो कलर यूज करके काफी ब्यूटीफुल बना सकते हैं लाइक दिस। एंड आई हैव गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया आउट ऑफ दैट, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ माई ऑल द वीडियोज। Also connect with me on my Facebook and Instagram page as well. Also don't forget to share with your family and friends too. Do comment me if you want to see some more videos. Thanks for watching.